गांधी चौक दुर्ग स्थित सीताराम पंचायती मंदिर में विभिन्न आयोजन के साथ श्री राम जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर पूजा अर्चना के बाद भोग भंडारे का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं व श्री राम भक्तों ने भंडारे स्वरूपी प्रसाद को ग्रहण किया। पेश है कार्यक्रम की खास झलकियां। रामनवमी के पावन अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी भव्यता से आयोजन किए गए। इसी कड़ी में शनिचरी बाजार स्थित सीताराम पंचायती मंदिर में भी विभिन्न आयोजन किए गए। प्रातः 9 बजे भव्य पालकी यात्रा यहां निकाली गई, जिसमें हजारों राम भक्त शामिल हुए। पालकी यात्रा ने विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। विधि विधान से पूजा अर्चना के पश्चात भोग भंडारे का आयोजन भी यहाँ पर किया गया। आयोजन को लेकर राम भक्तों ने इस तरह की जानकारी दी है। भगवान श्री राम की कृपा पूरे देश में बरस रही है और आपने दुर्ग में देखा होगा कैसा खुशनुमा और खुशहाल वातावरण है। सारे भक्त भगवान श्री राम के, सारे भक्त चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, सभी यहाँ पर पहुँच गए हैं। सब भगवान श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर हमेशा बना रहे, क्योंकि भारत जो देश है वो सभी धर्मों का देश है, जहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है। और हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, परंपरा है कि सभी धर्म का समान रूप से सम्मान हो। पूरा दुर्ग आप देख रहे होंगे राममय दिखलाई दे रहा है, चारों तरफ मंदिरों में भीड़ है, सब भगवान श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सब का जीवन खुशहाल हो। हम सब अपने जीवन के जिस लक्ष्य को लेकर आए हैं उस लक्ष्य को हम लोग पूरा करें, सद्भावना, भाईचारा और एकता हमारे बीच में बनी रहे। मैं यही संदेश दिया हूँ कि हम सब एक है, पूरा देश एक है, पूरा दुर्ग एक है और भगवान श्री राम की अपार कृपा हम सबके ऊपर है। समस्त प्रदेशवासियों को, दुर्ग शहर वासियों को मैं रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज सुबह से ही पूरा दुर्ग शहर में रामनवमी बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। आप देख रहे हैं चारों तरफ प्रभु श्री राम की महिमा हम लोग बखान कर रहे हैं। और आज अभी सुबह से हम लोग युवा मितान द्वारा रैली निकाली गई, महिला कांग्रेस द्वारा रैली निकाली गई और अभी हम लोग गांधी चौक स्थित राम मंदिर में आके प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिए और प्रभु श्री राम से ही हमने मंगल कामना की, हमेशा दुर्ग शहर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, आपसी प्रेम और सद्भावना बनी रहे और उनकी कृपा से हम लोग से ऐसा कोई भी काम न हो जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। ये दुर्ग सब की सबसे प्राचीन मंदिर है, श्री राम मंदिर पंचायती समिति, और 100-125 साल करीब हो गया इस मंदिर को और हर रामनवमी हर त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और विगत कई सालों से डेली यहाँ रात के 8 बजे रामायण का पाठ किया जाता है सीताराम पंचायती समिति के द्वारा और हर समय भव्य किया जाता है। और दुर्ग का सबसे बड़ा भंडारा गांधी चौक सीताराम पंचायती के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। यही कि जिस प्रकार राम एकदम सरल सरज व्यक्ति थे, वैसे ही मैं चाहूंगा कि दुर्ग की जनता इतने सरल और सहज भाव से एक राजा होके जितना उन्होंने बलिदानी दिया, जितना अपने त्याग किया जीवन का, उस हिसाब से उनसे कुछ सीखना चाहिए। बस मेरा यही है कि राम एक विश्व में अगर कोई आदर्श पुरुष है तो वह राम श्री राम जी। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारा भंडारा इतना बड़ा होता है कि आज हम लोग शोभा यात्रा नहीं निकाल पाते, इसलिए हम लोग कल निकालते हैं। तो मेरा पूरी दुर्ग की जनता से निवेदन है कि कल शोभा यात्रा में शामिल हो और हमें भी अभिभूत करें। समय कल शाम के 5 बजे का है। रामचरितमानस का पाठ के राम मंदिर में विगत 7 वर्षों से हो रहा है और उससे संबंधित कई कार्यक्रम यहाँ करते हैं। आज जन्म महोत्सव प्रभु का हमने सबने मिलके मनाया है और रामचरितमानस की चौपाई है कि यही दिन राम चरण श्रुति गाय वही, यही दिन राम जन्म श्रुति गाय वही, तीर्थ सकल कहाँ चली आ वही। ये सब जो है, सब तीर्थ जो है वहाँ पर आकर विराजमान हो जाते हैं और आनंद से सब मिलकर भगवान का जन्म महोत्सव जो है मनाते हैं। तो हम लोगों ने सबने मिलकर जो है भगवान के चरित्र के गान हम रोज करते रहते हैं यहाँ पे और उसी के तारतम्य में जो है कई उत्सव प्रभु के जो है वो मनाते रहते हैं। उत्सव मनाने से हमारे हृदय में हमेशा उत्सव का ही वातावरण रहता है, प्रभु के उत्सव का वातावरण रहता है। आज के दिन का संदेश तो ये, मेरा तो अपना ऐसा मानना है कि अपना अनुभव जो है
काश बिशंत जी महाराज ने गरुड़ जी को अपना अनुभव सुनाया था, निज अनुभव अब कहो खगेसा, बिनु हरि भजन न जा ही कलेसा। भगवान के भजन के बगैर जो है अंदर के क्लेश नहीं जा सकते। राम कृपा मुन सुन खाए, जान जाए राम प्रभुता, उनके कृपा के बगैर उनकी प्रभुता जानी नहीं जा सकती। उनकी कृपा जो हमारे ऊपर हर पल हर क्षण बरस रही है, वो कृपा का जो है हमको हमेशा अनुभव करना चाहिए। हम अगर हमेशा अनुभव करेंगे तो हमको सबके प्रति जो है मैत्री भाव हो जाएगा। और फिर जो है उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, जो भगवान के चरणों में रत है, काम क्रोध लोभ ये सब जिनमें नहीं है। और निज प्रभु मैं देखहिं जगत, वे पूरे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, वो किसी के साथ कोई विरोध नहीं करते। और जब तो जो है ना मन में जो है प्रेम भक्ति रूप जो है जल होना चाहिए, वो उसी से जो है हृदय के अंदर का मल प्रेम भक्ति रूप जल से जो है दूर होता है। यही जो है मेरा कहना। बहरहाल हर साल की तरह इस साल भी रामनवमी के पावन अवसर पर भव्यता से आयोजन किए गए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।